हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लेटर स्टेजेस ऑफ सिक्रेटरी पाथवे। तो कल हमने सिक्रेटरी पाथवे की अर्ली स्टेजेस के बारे में देखा था। हमने देखा था कि कैसे वेसिकल्स ट्रैफिकिंग के द्वारा ईआर और गोल्जी के बीच में टारगेट प्रोटीन्स कार्गो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन किस तरह से हो रहा था, किस तरह से वेसिकल्स बन रहे थे, किस तरह से वो अपने टारगेट कंपार्टमेंट के ऊपर जाकर जुड़ रहे थे। सारी प्रोसेस हमने देखी थी, कितने प्रकार के वेसिकल्स होते हैं। तो कोप वन, कोप सेकंड, क्लैथरीन, तीनों प्रकार के वेसिकल्स के बारे में हमने अपने पिछले वीडियो में पढ़ ही लिया था। तो अब हम देखते हैं कि जैसे ही कोई कार्गो प्रोटीन है वो जब ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में आ जाती है तो उसके बाद में अब उसका फ्यूचर क्या होगा। तो उसके अब यहाँ पर क्या क्या फ्यूचर हो सकते हैं कि या तो वो प्रोटीन लाइसोसोम में जाएगी, अगर वो लाइसोसोमल प्रोटीन है तो वो लाइसोसोम में शॉर्ट हो जाएगी, टारगेटिंग हो जाएगी। अगर वो प्रोटीन प्लाज्मा मेम्ब्रेन की है तो उसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, और अगर प्रोटीन सेल से बाहर सिक्रेट होने वाली है तो उसको सेल से बाहर सिक्रेट कर दिया जाएगा। तो ये सिक्रेटरी पाथवे की लेटर स्टेजेस होती हैं। ये प्रोसेस यहाँ पर जो होती है ये सारे क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स के द्वारा संपूर्ण की जाती है। यहाँ पर जितने भी जो प्रोसेस हो रही है यहाँ पर सिर्फ क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स काम आएंगे। ईआर और गोल्जी के बीच में जो वेसिकल्स कार्गो प्रोटीन्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था वहाँ पर कोप वन और कोप सेकंड वेसिकल्स काम आ रहे थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स काम आते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि सिक्रेटरी पाथवे की लेटर स्टेजेस में ओनली क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो सिक्रेटरी पाथवे का जो लेटर स्टेज है यहाँ पर बहुत सारे वेसिकल्स जो कि क्लैथरीन कोटेड होते हैं, उसके अलावा इन वेसिकल्स को कुछ अडेप्टर प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है। ये अडेप्टर प्रोटीन्स जो होती हैं ये डिसाइड करेंगे कि प्रोटीन का डेस्टिनेशन क्या होगा। ये शॉर्टिंग सिग्नल को रिकॉग्नाइज करने में हेल्प करते हैं। अडेप्टर प्रोटीन्स मैंने आपको पिछले वीडियो में एक टेबल बताई थी, उस टेबल में मैंने आपको तीन तरह की अडेप्टर प्रोटीन्स बताई थी, AP1, AP2 और AP3। उन टेबल में ये बताया हुआ था कि कौन सी अडेप्टर प्रोटीन काम पर काम आती है, तो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। तो ट्रांस गोल्जी नेटवर्क जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से ही वेसिकल्स यहाँ पर बर्ड होकर और उनकी टारगेटिंग होती है। तो जैसे कि डायग्राम में दिखाया गया है कि ट्रांस गोल्जी नेटवर्क जो है अगर वहाँ से प्रोटीन मीडियन गोल्जी के पास जा रही है तो कोप वन वेसिकल्स के द्वारा ये प्रोसेस कंप्लीट होगी, और अगर प्रोटीन्स को ट्रांस गोल्जी नेटवर्क से लेट एंडोसोम की तरफ जाना है तो यहाँ पर क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स और AP अडेप्टर प्रोटीन्स यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगी। और अगर प्रोटीन्स को लेट एंडोसोम में ना हो जाकर सीधे ही लाइसोसोम में जाना है तो यहाँ पर अलग तरह की AP प्रोटीन्स काम आएंगी। तो इस तरह से अडेप्टर प्रोटीन्स का यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल है। और इसके अलावा रेगुलेटेड और सिक्रेटरी वेसिकल्स, मैंने आपको बताया था कि जो सिक्रीशन होता है वो दो तरह का होता है, एक तो रेगुलेटेड और एक सिक्रेटरी वेसिकल्स कॉन्स्टिट्यूटिव सिक्रीशन। तो रेगुलेटेड में तो जब कोई सिग्नल आता है तभी वो प्रोटीन सेल से सिक्रेट की जाती है, जबकि कॉन्स्टिट्यूटिव में वो सेल कंटिन्यूसली प्रोटीन सिक्रेट करती रहती है। तो
इन दोनों में भी प्रोसेस में भी अलग अलग वेसिकल्स और अलग अलग एपी प्रोटीन्स यहाँ पर काम करती है। तो इस तरह से ये जो सारी प्रोसेस हो रही है ट्रांसगोल्जी नेटवर्क से, क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स यहाँ पर यूज़ होंगे। इसके अलावा जो सारी प्रोसेस कंट्रोल होगी वो अडेप्टर प्रोटीन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। अब हम देखते हैं लाइसोसोम। लाइसोसोम जो कि ट्रांसगोल्जी नेटवर्क के द्वारा ही ओरिजिनेट होते हैं। लाइसोसोम हमारे सेल में हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कैरी करते हैं और ये अनडाइजेस्टेड प्रोटीन्स और उन अदर एक्स्ट्रा सेलुलर बैक्टीरिया, वायरसेस, इस तरह के हार्मफुल, जो हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ये डिग्रेडेशन में हेल्प करती है। तो लाइसोसोम इनके अंदर करीब 50 के करीब हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स पाए जाते हैं। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो लाइसोसोम में पाए जाते हैं, इनकी खास बात ये है कि ये एक स्पेसिफिक पीएच जो कि बहुत ही कम पीएच 4.6 के अराउंड पीएच पे ही काम करते हैं। अगर कोई लाइसोसोम बर्स्ट हो जाता है तो वो एंजाइम्स जब साइटोसोल में आ जाएंगे तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि सेल के साइटोसोल की पीएच 6 के अराउंड होती है जबकि लाइसोसोम की पीएच 4.6 होती है। तो ये एंजाइम सिर्फ यहाँ पर ही काम करेंगे, साइटोप्लाज्म में काम नहीं करेंगे। पहले हम किताबों में पढ़ते थे कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैले भी बोलते हैं, अगर लाइसोसोम फट जाए तो इस तरह से सेल की कोशिका की मृत्यु हो जाती है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं होता है। लाइसोसोम जो होता है इसमें पीएच को मेंटेन करने के लिए हाइड्रोजन एटीपेज पंप इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर लगे रहते हैं। इसके अंदर ज़्यादा पीएच होती है फिर भी ये किसी तरह से अपनी इंटेग्रिटी को बनाए रखते हैं। तो इनके जो इनर मेम्ब्रेन है वो ग्लाइकोसाइलेटेड प्रोटीन्स के द्वारा कवर होती है जो कि इसकी मेम्ब्रेन को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स के डिग्रेडेशन से बचाए रखती है। तो इस तरह से लाइसोसोम, बहुत सारे लाइसोसोम एक सेल में पाए जा सकते हैं। तो लाइसोसोम के काम हैं वो मेनली इनका काम डिग्रेडेशन का होता है। तो डिग्रेडेशन या तो फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा कोई सेल के अंदर कोई भारी चीज़ आई हो, या फिर कई बार स्टारवेशन की कंडीशंस में जब सेल खुद के ही ऑर्गेनिल्स को खाने लग जाए, पचाने लग जाए, तो उसको ऑटोफेजी कहते हैं। तो ऑटोफेजी जो है जब सेल अपने ही ऑर्गेनिल्स को खाने लग जाए, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, तो ये प्रोसेस कैसे होती है हम आगे देखते हैं। फेगोसाइटोसिस होता है सेल के द्वारा कोई भी एक्स्ट्रा सेलुलर थिंग, कोई भी चीज़ है उसको अपने अंदर इंटरनलाइजेशन करके और उसका डिग्रेडेशन करना। तो फेगोसाइटोसिस जो प्रोसेस है ये हमारे शरीर में, हमारे इम्यून सिस्टम में पाई जाने वाली जो मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक सेल्स हैं उनमें ये प्रोसेस काफ़ी ज़्यादातर ये यूज होती है। तो इस तरह से लाइसोसोम जो है इसका जो मेन काम होता है वो डिग्रेडेशन का होता है। ये प्रोटीन, लिपिड्स और अदर तरह के मैक्रो मोलिक्यूल्स, बायो मोलिक्यूल्स के डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। तो लाइसोसोम की जो प्रोटीन है उनकी टारगेटिंग कैसे होती है? तो ट्रांसगोल्जी नेटवर्क में मैनोथ 6 फॉस्फेट रिसेप्टर्स पाए जाते हैं। ट्रांसगोल्जी नेटवर्क में जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट है वो मैनोथ 6 फॉस्फेटेड कैरिंग प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। तो मैंने कल आपको बताया था कि जो लाइसोसोमल प्रोटीन्स होती हैं उनके ऊपर मैनोथ 6 फॉस्फेट एक टैग लगा होता है। यहाँ पर फॉस्फोराइलेटेड मैनोज उन पे पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन यहाँ पर इन प्रोटीन्स पर किया जाता है, जो कि प्रोसेस, ये सारी प्रोसेस
सिस गोल्जी में की जाती है। तो सिस गोल्जी में एक एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन फोस्फो ट्रांसफरेज एंजाइम होता है जो कि मैनोज रेजिड्यूज़ पर फोस्फेट ग्रुप ट्रांसफ़र करता है। तो इस तरह से ये एंजाइम ER जो है वो भी सिस गोल्जी में ये सारी प्रोसेस हो रही होती है। तो सिस गोल्जी में जब ये मैनोज सिक्स फोस्फेट टैग वहाँ पर लग जाता है तो जब ये प्रोटीन्स ट्रांस गोल्जी नेटवर्क में आ जाते हैं वहाँ पर मैनोज सिक्स फोस्फेट रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। मैनोज सिक्स फोस्फेट उस प्रोटीन्स को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और उनको लाइसोसोम तक क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स के द्वारा उनको पहुँचा दिया जाता है। तो ये जो प्रोसेस डायग्राम में आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स और AP कॉम्प्लेक्स अडेप्टर प्रोटीन्स यहाँ पर यूज़ होगी। यहाँ पर तो यहाँ पर इन दोनों प्रोटीन्स के कॉम्बिनेशन से जो वेसिकल बनेगा, फिर ये जो क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स हैं इसकी अनकोटिंग होने के बाद में इसका ट्रांसपोर्टेशन होगा और ये लाइसोसोमल प्रोटीन्स लाइसोसोम में ट्रांसफ़र कर दी जाती है। इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। अब हम देखते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस क्या होता है? एंडोसाइटोसिस वो प्रोसेस है जिसमें सेल अपने एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स से बाहरी वातावरण से किसी भी तरह के सब्सटेंस को अपने साइटोप्लाज्म के अंदर लेके आते हैं। उस प्रोसेस को हम एंडोसाइटोसिस कहते हैं। ये प्रोसेस काफ़ी डायनेमिक होती है क्योंकि यहाँ पर एक वेसिकल्स फॉर्मेशन होता है। ये जो वेसिकल फॉर्मेशन होता है ये एक्टिन प्रोटीन्स मीडिएटेड वेसिकल्स यहाँ पर बनते हैं। तो एक्टिन प्रोटीन्स का यहाँ पर काफ़ी रोल होता है। हमारे इस सेल में दो तरह के एंडोसोम्स पाए जाते हैं। एक तो होता है अर्ली एंडोसोम और एक होते हैं लेट एंडोसोम। अर्ली एंडोसोम्स जब कोई भी फेगोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा किसी भी सब्सटेंस को सेल के अंदर लिया जाता है तो शुरुआत में जब वो वेसिकल्स के अंदर होते हैं, जब वो डिग्रेड नहीं हुए होते हैं, तो उसको हम अर्ली एंडोसोम बोलते हैं। और यहाँ पर इनकी जो अभी इनका डिग्रेडेशन कंप्लीट नहीं हुआ होता है, सिर्फ स्टार्ट ही हुआ होता है और इनकी pH भी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होती है, इसलिए इनको हम अर्ली एंडोसोम बोलते हैं। जबकि लेट अर्ली एंडोसोम ज़्यादातर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास मिलेंगे, जबकि लेट एंडोसोम न्यूक्लियस के पास में मिलेंगे और उनकी pH काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस तरह से अर्ली एंडोसोम और लेट एंडोसोम है, इन दोनों एंडोसोम्स को हम pH के आधार पर इनको क्लासिफाई करते हैं। तो जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है, जो कि फेगोसाइटोसिस भी बोलते हैं इसको, ये दो तरह से होती है। एक तो होती है बल्क फेज एंडोसाइटोसिस और एक रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस। बल्क फेज एंडोसाइटोसिस जो प्रोसेस है ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं, मतलब कि सेल को कुछ भी मिल गया बाहरी सब्सटेंस उसको ये अपने अंदर ले लेते हैं। एक साथ बहुत सारे अलग अलग सब्सटेंस को भी अंदर ले सकते हैं। तो इस तरह की जो एंडोसाइटोसिस प्रोसेस होती है उसको हम बल्क फेज एंडोसाइटोसिस भी बोलते हैं। ज़्यादातर मोस्ट कॉमन जो सेल्स होती हैं हमारे शरीर में, मैक्रोफेजेस, डेंड्राइटिक सेल्स, ये सारे नॉन स्पेसिफिक अपटेक करते हैं और इसको हम बल्क फेज एंडोसाइटोसिस बोलते हैं। जबकि रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस काफ़ी स्पेसिफिक सब्सटेंसेस को ही अपनी बॉडी के अंदर लेके आते हैं। यहाँ पर उस स्पेसिफिक सब्सटेंसेस के लिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये कुछ स्पेशलाइज्ड सेल्स के अंदर ही पाई जाती है। ये प्रोसेस हमारी बॉडी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे कि हम बात करें तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, LDL रिसेप्टर्स पाए जाते हैं लीवर सेल्स के ऊपर। LDL जो है लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स, जो कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रोल्स वगैरह के ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करते हैं, लिपिड के डाइजेशन से रिलेटेड होते हैं। तो
एलडीएल रिसेप्टर्स जो हैं वो लीवर सेल्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो लीवर सेल जब एलडीएल जब हमारी बॉडी में आता है उसको किस तरह से वो अपने सेल्स के अंदर लेकर आते हैं तो वो हम देखते हैं। तो यहाँ पर रिसेप्टर्स जो हैं एलडीएल रिसेप्टर उससे एपोबी प्रोटीन्स जो कि एलडीएल पार्टिकल जो है जो कि फोस्फोलिपिड मोनोलेयर और एपोबी प्रोटीन से मिलकर बने हैं ये एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड होते हैं। उसके बाद में यहाँ पर मैंने आपको बताया ये सारी प्रोसेस जो है ये सिक्रेटरी पाथवे की लेटर एंड स्टेजेस में आती है। तो यहाँ पर क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स काम आएंगे और अडेप्टर प्रोटीन्स काम आएंगी। तो यहाँ पर अडेप्टर प्रोटीन्स जो हैं इस एलडीएल रिसेप्टर्स के सी टर्मिनल पे नीचे प्रेजेंट एक सॉर्टिंग सिग्नल को ये रिकॉग्नाइज करके और उसके बाद में क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स का फॉर्मेशन स्टार्ट कर देते हैं। अब ये जो एलडीएल पार्टिकल्स जो हैं ये एलडीएल रिसेप्टर से बाइंड होकर और वेसिकल्स में आ जाते हैं। अब वेसिकल्स जो है कोटेड है ये अनकोटेड हो जाएगा, उसके बाद में ये अर्ली एंडोसोम कहलाएगा। अब ये जो अर्ली एंडोसोम है ये लेट एंडोसोम से जुड़ जाते हैं या फिर ये लेट एंडोसोम में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब ये जो लेट एंडोसोम है इसमें पीएच ज़्यादा होती है तो पीएच कम होने के कारण एलडीएल रिसेप्टर्स अब अपने ग्लाइगेंड को यहाँ पर रिलीज कर देंगे। पीएच में चेंज होने के कारण यहाँ पर एलडीएल रिसेप्टर से अलग हो जाते हैं। तो पीएच कम होने के कारण ये होता है। अब जो रिसाइकलिंग प्रोसेस यहाँ पर शुरू हो जाती है, यहाँ पर एलडीएल रिसेप्टर्स को वापस से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में रिसाइकल कर दिया जाएगा और जो कोलेस्ट्रोल्स वगैरह हैं उनको डिग्रेड करके लाइसोसोम सेल के अंदर ट्रांसफ़र कर देंगे, साइटोप्लाज्म में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो इस तरह से रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का ये एग्जांपल था जहाँ पर लाइगेंड कोई भी सब्सटेंस है जो विद रिसेप्टर सेल के द्वारा इंटरनलाइज कर लिया जाता है और उसको बाद में अलग अलग डिग्रेड करके उस लाइगेंड को और रिसेप्टर्स को वापस रिसाइकल कर दिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रोसेस कंप्लीट होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन्स की जो प्रोटीन है उनकी कैसे किस तरह से उनको तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो प्रोटीन्स है उनको वो किस तरह से लाइसोसोम में डिग्रेड होंगी तो ये हम देखते हैं। तो कोई भी प्रोटीन्स है जो कि एंडोसाइटोसिस के द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर आई जाती है तो पहले वो अर्ली एंडोसोम में होती है, बाद में उसकी पीएच कम होती है, पीएच थोड़ी ज़्यादा होती है सॉरी, उसके बाद में जैसे जैसे टाइम के अकॉर्डिंग पीएच उसकी कम होती जाएगी क्योंकि यहाँ पर ट्रांसगोल्जी नेटवर्क से लाइसोसोमल प्रोटीन जैसे कि एटीपेजेस यहाँ पर उस अर्ली एंडोसोम से जोड़ दिए जाते हैं। तो अब यहाँ पर उस हाइड्रोजन एटीपेजेस जब यहाँ पर ज़्यादा हो जाएंगे तो अब यहाँ पर पीएच उसकी और कम हो जाएगी जो कि हाइड्रोजन आयन साइटोप्लाज्म से इस लेट एंडोसोम्स में ट्रांसफ़र करते रहते हैं। अब ये जो लाइसोसोम्स हैं ये मल्टी वेसिकुलर बॉडी बना लेंगे और ये अब लाइसोसोम बना लेते हैं और उसके बाद में उस प्रोटीन्स जो भी प्रोटीन्स वहाँ पे आई उसको डिग्रेडेशन यहाँ पर हो जाता है। तो इस तरह से ये अर्ली एंडोसोम और लेट एंडोसोम जो कि पीएच के आधार पर इनको क्लासीफाई करते हैं ये डिग्रेडेशन में हेल्प करते हैं। ऑटोफेगी मैंने आपको बताया था ये लाइसोसोम का ये एक रोल होता है। तो कई बार जब सेल को भोजन की कमी हो जाती है तो कोशिका अपने ही ऑर्गेनिल्स को खाना स्टार्ट कर देती है। तो ऑटोफेगी में जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ एक कप शेप्ड ईआर का एक टुकड़ा
उसके चारों तरफ उसको घेर लेते हैं। तो ये जो कप शेप जो ईआर का जो टुकड़ा है, ये डबल मेम्ब्रेन होता है। तो इसकी एक मेम्ब्रेन जो है ये तो माइटोकॉन्ड्रिया के आउटर लेयर से कनेक्ट हो जाती है, और जो भारी मेम्ब्रेन है वो उसको चारों तरफ से घेर लेती है। अब ये जो ऑटोफेगिक वेसिकल है ये लाइसोसोम से जुड़ जाते हैं। लाइसोसोम अब इस माइटोकॉन्ड्रिया का डिग्रेडेशन कर देते हैं। तो इस तरह से ऑटोफेगिक यहाँ पे रिएक्शंस हो रही हैं। ये जो रिएक्शन है ये कुछ प्रोटीन्स होती है, ATG प्रोटीन्स, जो कि 5, 16 एंड 12, 8 इस प्रकार की होती हैं, ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। तो ये अभी हमने देखा कि किस तरह से सिक्रेटरी पाथवे की लेटर स्टेजेस होती हैं, यहाँ पर किस तरह से लाइसोसोम, अर्ली एंडोसोम, लेट एंडोसोम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स, तो किस तरह से सिक्रेटरी पाथवे के द्वारा ही यहाँ पर ये सारी प्रोसेस कंप्लीट होती है। तो यहाँ पर क्लैथरीन कोटेड वेसिकल्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता है। थैंक यू।